क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। मैंने इनके एबीसी पहले ही सेपरेट करके यहाँ लिख दिए, मुझे बताइए मैंने सही लिखी है एबीसी। ओके, 1 - 2√2 ये बी है, लेकिन मत भूलिएगा कि इसके ऊपर नेगेटिव साइन है जो मैंने बाहर लिख दिया ब्रैकेट के, ये रखना याद बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे कैलकुलेशन इसी पे डिपेंड करती है। अब इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई, हमने इसे किया 2s² - अब ये s इसको भी मल्टीप्लाई करेगा, इसको भी मल्टीप्लाई करेगा, लेकिन देखिए बाहर माइनस का साइन पहले से लगा हुआ है, तो हम कंसिडर करके चलेंगे कि ये जो माइनस का साइन है ये एक्चुअल में s के ऊपर है, यानी माइनस s है जिसको हमें अंदर मल्टीप्लाई करना है। माइनस s जब 1 को मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा माइनस s, माइनस s जब माइनस के 2√2 को मल्टीप्लाई करेगा तो एक्चुअल में आएगा प्लस का 2√2s। इतना क्लियर है? क्या किया मैंने, मैंने सिर्फ माइनस s को इधर मल्टीप्लाई किया और यहाँ मल्टीप्लाई किया, क्योंकि माइनस का नंबर था तो इसका साइन तो चेंज हो गया, और 2√2 जो माइनस का साइन था वो भी चेंज हो गया, उसको मुझे प्लस का करना पड़ा, √2 एज इट इज़ रह गया। अब बस कॉमन लेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे, हमने फिर से पेयरिंग की, यहाँ पे कॉमन आया s, क्या बचा 2s - 1। देखिए यहाँ पे 2s बचा, माइनस s कॉमन हो चुका है तो सिर्फ 1 बचा। यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे √2 कॉमन है तो अंदर क्या बच रहा है, अगर मैं √2 ले लेती हूँ 2 बचेगा और s भी बचेगा प्लस 1। अब कौन कौन से रूट बन गए, अच्छा यहाँ पे साइन की कुछ मिस्टेक आ रही है आई फील, हाँ क्योंकि इन दोनों का साइन सेम आना चाहिए। लेट मी जस्ट क्रॉस चेक कि मैंने साइन तो गलत नोट नहीं किया है। हाँ एक्चुअल में ये वाला जो साइन है ये प्लस का साइन है, अगर ये साइन प्लस का है तो फिर हमें यहाँ पर साइन माइनस का करना पड़ेगा, क्योंकि जब माइनस s इसको मल्टीप्लाई करेगा तो इसमें माइनस का साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा तो जब मैं यहाँ कॉमन लूँगी तो मुझे माइनस का √2 कॉमन लेना होगा। माइनस √2 कॉमन लेने का मतलब है मुझे यहाँ मिलेगा 2s और प्लस का साइन भी चेंज हो जाएगा तो प्लस की बजाय हो जाएगा माइनस का 1। आ चुके मेरे पास दोनों फैक्टर्स, एक फैक्टर है 2s - 1 और एक फैक्टर है s - √2। तो यहाँ से मेरे पास s की दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं 1/2 और √2। इतना क्लियर है? अब इन्हीं को जल्दी से वेरिफिकेशन के लिए ले आते हैं। अल्फा प्लस बीटा यानी कि 1/2 + √2। अब कैसे इनको प्लस किया जाएगा, देखिए 1 कंसिडर किया, 2 और 1 मल्टीप्लाई होगा, लेकिन न्यूमरेटर हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, यानी 1 और 1 1, √2 और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो 2√2। ये तो मेरे पास अल्फा प्लस बीटा का रिजल्ट आया, और माइनस बी अपॉन ए का रिजल्ट क्या आता है ये भी चेक कर लेते हैं। माइनस बी अपॉन ए का मतलब है ये वाली वैल्यू जो पहले से माइनस की थी वो मैंने प्लस की कर दी, 1 - 2√2, और नीचे मेरे पास बचा, अच्छा अब साइन चेंज हो जाएगा ना क्योंकि मैंने वहाँ पे साइन ठीक कर दिया। ओके, ए की वैल्यू मेरे पास पहले से गिवन है 2, तो ये सेम आ गई मेरे पास। एक चीज़ वेरीफाई हो गई, प्रोडक्ट पर आ जाते हैं। प्रोडक्ट यानी कि हमें करना है अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया कुछ ऐसा, ऐसे ही छोड़ देते हैं इसको, यानी कि √2/2। अब चेक कर लेते हैं सी अपॉन ए से, सी की वैल्यू इज़ √2 एंड ए की वैल्यू इज़ 2, हेंस वेरीफाइड। तो इसके साथ ही हमारे ये क्वेश्चंस हो जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है, 10 और 11 हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।